Hi hello students welcome to pulse excel so today in this session we are going to talking about the mozabe spectroscopy so in the earlier video we already discussed the basic theory part, instrumentation part, isomer shift, and uh, based on there we are going to be solve the uh, examples also and the Doppler effect of your Mössbauer spectroscopy. So the remaining part now I am going to be covering this session which is going to be most important. So in this session we are going to be talking about the splitting of your what spectroscopy, that how you will get the Mössbauer spectra. ओके हाउ हाउ वी विल गेट योर द सिग्नल ठीक है सो जस्ट साब स्पेक्टोस्कोप स्प्लीटिंग एक्चुअली जो होती है ऑफ योर सिग्नस दे आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द मेनली टू टाइप्स तो वो जो स्प्लीटिंग होती है एक होती है कंडीशन क्वार्रोपल स्प्लीटिंग एंड सेकंड विल बी दैग्नेटिक स्प्लीटिंग अब जैसे कि हर एक स्प्लीटिंग में देर विल बी द सम ऑफ द कंडीशन इन द सेम वे इन द स्प्लिटिंग ऑफ योर कॉर्डरपल स्प्लिटिंग वन कंडीशन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि न्यूक्लियस पिन की जो वैल्यू यहाँ पर जो आपकी होती है दैट शुड बी और इट हैज टू बी बेटर देन हाफ ओके इन द केस ऑफ ग्राउंड स्टेट और द एक्साइडेड स्टेट तो ये कंडीशन जहां पर भी जनरेट होगी वहां पर जो आपके न्यूक्लियस की जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी कॉर्डोपल स्प्लिटिंग मैं फिर से बता रही यहाँ पे जो मेन जर कंडीशन जो है वो ये है कि न्यूक्लियस पिन की जो यहाँ पे वैल्यू होगी इट शुड बी ग्रेटर देन दिस हाफ वैल्यू किसमें ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में अब ये कंडीशन है तो वहां पे कॉर्डरपल स्प्लिटिंग होगी एंड अनदर विन विल बी योर मैग्नेटिक स्प्लिटिंग सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कॉर्डरपल स्प्लिटिंग होती क्या है एग्जाम्पल से ही आपको पता चलेगा सपोज तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया आयरन अब आयरन में देखो स्पिन की जो वैल्यू होती है न्यूक्लियर स्पिन की जो वैल्यू होती है ग्राउंड स्टेट में वो होती है हाफ एक्साइटेड स्टेट में वैल्यू होती है थ्री बाय टू सो इन द एग्जामिनेशन बेसिकली दिस न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू सो डोंट वरी अबाउट बट आप जब प्रैक्टिस करते हो तो यू शुड रिमेम्बर दिस वैल्यू तो बाहर करने की जरूरत नहीं है तो ग्राउंड सेट की वैल्यू हमेशा होती है हाफ एक्साइड स्टेट की वैल्यू होती है थ्री बाय टू अब जैसे कि यह सब स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ठीक है कि स्प्लिटिंग में जो नंबर ऑफ लाइन होते हैं वो कैसे हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट बाय यूजिंग द फॉर्मूला वॉट टू एन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट यूज करते हैं टू एन आई प्लस वन ये फॉर्मूला यूज करते हैं आपको पता होगा आप अगर देखोगे तो मान लो टू ए आयरन यहाँ पर एक ही है न्यूक्लियस हम लोग यूज कर रहे हैं आई कितना है यहाँ पर हाफ ए प्लस वन टू टू गेट कैंसर One, one into one, one plus two. तो कितना आया टू लाइन्स तो ये स्प्लिटिंग जो होती है जो नंबर ऑफ जो लाइन्स होती है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द टू एन आई प्लस वन रूल तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप वैल्यू कैलकुलेट करो तो आई जी वैल्यू है जो न्यूक्लियस पेन वैल्यू जो है यहाँ पर आपके ग्राउंड स्टेट में वो यहाँ पर कितनी हाफ तो नंबर ऑफ लाइन जो यहाँ पर आपको मिलेंगे वो कितने होंगे नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर टू होंगे ठीक है मतलब टू वैल्यूज कौन सी होगी आइदर माइनस हाफ और आइदर प्लस आ ठीक है अब एक्साइड स्टेट में क्या है आपकी वैल्यू थ्री बाई टू तो थ्री बाय टू के लिए भी अगेन कैलकुलेट करो सो जस्ट एक लुक टू एन आई प्लस वन टू वन आई कितना अभी यहाँ पे थ्री बाय टू प्लस वन टू टू गेट कैंसर थ्री वन सा थ्री प्लस वन फोर लाइन्स यू विल गेट सो ड्रॉ वन टू थ्री फोर लाइन्स समझ में आया ये फोर लाइन कहां से अब ये सारो लाइन जो है या फिर टू लाइन ऑल आर इन टू दॉट सेम एनर्जी एनवास अब इनकी सबकी एनर्जी सेम है मतलब दे आर टॉट डी जनरेट लेवल तो यहाँ पे जो फोर वैल्यूज आपको मिलेगी वो क्या होगी प्लस थ्री बाय टू माइनस थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू एंड माइनस वन बाई टू अब ये जो वैल्यू होती ये है ये वैल्यू हम लोग कैसे लेते हैं प्लस पिन टू द माइनस एस पिन वैल्यू तो ये यहाँ से आपको वैल्यूज मिलते हैं सो दीज आर द फोर वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू से आपको माइनस वन वन करते जाना है सो यू विल गेट दिस फोर लाइन एंड दीज आर द वैल्यू ठीक है अब ये जो सारे जब वैल्यू आप करते हो ठीक है अब इसमें क्या होता है व्हेन दीस आर गोइंग टू टू बी अप्रोचिंग ईच अदर ठीक है विदाउट एनी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है सो so, हाउ तो उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग ने ईएसआर में भी वो स्टडी किया था अब वैसे यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं तो यहाँ पर उसको जो टर्मिनोलॉजी दी गई है इन मोजबे स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पर यह होता है दैट विदाउट मैग्नेटिक फील्ड दे आर डूइंग द ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है बी जीरो ओके सब्सक्रिप्ट में लिखना है बी जीरो ये यहाँ पर क्या नहीं है प्रेजेंट नहीं है तो इन द एबसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट आई एम सींग इन द एबसेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाउ द ट्रांजिशन विल बी टेकिंग प्लेस उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट में जनरली क्या होता है आपकी जो कॉर्डोपल स्प्लिटिंग जो होती है वो एबसेंट होती है बिकॉज उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है जीरो और जहां पे उसकी वैल्यू जीरो हुई तो वहां पे आपको कैसे सिंगलेट पिक मिलेगा ऐसे ये स्पेक्ट्रा मिलेगा और सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या है अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है वो इक्वल टू जीरो नहीं है तो वहां पे क्या होगा आपका कॉर्ड्रपल स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगा सो इन दैट केस यू विल गेट द डबलेट मतलब क्या है यहाँ पर कि जनरली यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे होगा ग्राउंड सेट वो एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे चला गया अब यहाँ पे क्या है बी जीरो इज इक्वल टू वॉट जीरो मतलब यहाँ पे क्या है इन द एबसेंस ऑफ मैंने लिया मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो यहाँ पे कम्पलीटली क्या है आपका जीरो है ठीक है तो ये ट्रांजिशन सिर्फ क्या होगा इस स्टेट से लेकर के यहाँ तक की वो जा रहा है सो यू विल गेट ओनली द सिंगलेट ठीक है बट जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड की या फिर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने यहाँ पर अप्लाई किया देन वॉट विल हैपन दिस ट्रांजिशन विल बी गो फर्दर सो फ्रॉम दिस लेवल टू नेहना टू द नेक्स्ट लेवल तो इन दैट केस यू विल गेट द डबलेट तो ये कंडीशन डिपेंड होती है आपकी किसके ऊपर इसके ऊपर अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है ये याद रख लिए सिलेक्शन रूल अब सिलेक्शन रूल तो आप सबको पता होगा सिलेक्शन रूल हम लोग ये इसके लिए कहते हैं कि इसमें कौन से अलाउड ट्रांजिशन है और कौन से अलाउड ट्रांजिशन नहीं है तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो न्यूक्लियस स्पिन की जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू तो वो एक तो आइदर जीरो होनी चाहिए या फिर प्लस माइनस वन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ही वो आपका वहां पे क्या होता है ट्रांजिशन होगा और सेकेंड आपको वहां पे क्या देखना है कि वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट प्रेजेंट है या नहीं तो ये हमेशा एक ट्रिक याद रखो कि जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट जीरो होगा वहां पे आपको सिर्फ वन सिंगलेट मतलब एक ही सिंगलेट मिलेगा और आपका एक ही ट्रांजिशन होगा पर जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट नहीं है ठीक है मतलब नो मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे आपका डेफिनेटली क्या होगा क्वारपल स्प्लिटिंग होगा मतलब यहाँ पे वो क्या है इलेक्ट्रॉफ नॉट इक्वल टू जीरो तो वहां पे क्या होगा क्वार्टरपल स्प्लिटिंग आपका क्या होगा डेफिनेटली प्रेजेंट होगा मतलब आपका जो ट्रांजिशन जो है वो इस लेवल से लेकर के अपर लेवल तक आपका इजीली ट्रांजिशन होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट जनरली क्या बोलते हैं आपको क्या होगा आपका और यहाँ पे देखो बी नॉट जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जीरो होगा ठीक है इन दैट केस इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन पूरी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखनी है कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है कॉर्डर स्प्लिटिंग अब इसमें जो एक मेन जो फंडा है वो आपको मैं बताती हूँ अभी तक आपको समझ में की नहीं की ये आप कैसे पहचानेंगे कि उसमें इलेक्ट्री फिल ग्रेडियंट है या नहीं तो उसके लिए क्या होता है फर्दर ये जो ई एफ जी होता है मतलब मैं समझ में आया होगा ई एफ जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन फिल ग्रेडियंट ये डिपेंड होता है आपके मॉलिक्यूल्स के जो आपका न्यूक्लियस होता है जो कंपाउंड आपको दिया गया है सैंपल उसके सिमेट्रिक के ऊपर ठीक है अब ये जो सिमेट्री होती है फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट में बिकॉज इसमें हम लोग क्या स्टूडेंट स्टडी करें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है तो हम लोग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स स्टडी करें कॉम्प्लेक्स आया मतलब आपका लिगेंड आया और उसका इलेक्ट्रॉनिक नेचर आता है बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वॉट अट्रैक्टेड उसमें इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस है तो सिमेट्री जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है एक तो लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन फर्दर दी बोथ आर डिवाइडेड इन द फर्दर एक्सियल एंड द स्पेरिकल ठीक है अब मान लो आपका अगर लिगेंड स्पेरिकल इन नेचर है वो कब होगा लिगेंड स्पेरिकल ओनली फॉर द दो कॉम्प्लेक्सेस विच आर हैविंग नेचर ऑफ द टेट्रा हेल एंड द ऑक्टाहाइड्रो कॉम्प्लेक्सेस अब ओक्टाहाइड्रो कॉम्पलेक्स मतलब मेटल अटैच विद द सिक्स लिगेंड टेट्राहाइडर मतलब मेटल अटैच विद द Four ligand. तो जब आपको ओक्टा ओक्टाइडो कॉम्प्लेक्स मिलेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होंगे स्पेरिकल इन नेचर होंगे और अगर वो स्पेरिकल है तो उसमें लिगन सिमेट्री प्रेजेंट है ये या आपको याद रखनी है एंड अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट टेटाइडल एंड ओक्टाइडल those are the अनदर geometry विल बी देर इन द

इलेक्ट्रॉनिक में भी आपका वही है एक्सेल एंड एक्सेलेंस मतलब स्पेरिकल ये इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि उसके लिए एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है अब इसमें वन मोर थिंग आपको याद रखनी है ट्रिक पॉइंट है ये याद रखो स्टूडेंट ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है वो ये इफ द सिमेट्री मतलब कौन सी सिमेट्री लिगैंड इलेक्ट्रॉनिक की बात करी मैं इफ बोथ द सिमेट्री आर स्पेरिकल मतलब लिगैंड है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक ये दोनों सिमेट्री में ये दोनों क्या है स्पेरिकल इन नेचर आ रहे हैं ओके okay? और वहां पे आपके इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट मतलब वो जीरो है और वहां पे डेफिनेटली फिर आपकी क्या होगी कॉर्डर पर स्प्लिटिंग होगी एंड यू विल गेट द सिंगलेट ठीक है अब देखो जहां पर भी भीगैन इलेक्ट्रॉन दोनों स्पेरिकल होगा वहां पे आपको कंसिडर करना क्या है डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रोफिल ग्रेडियंट जीरो होगा वो जीरो है तो ये एबसेंट होगा मतलब इज इक्वल टू जीरो होगा यू विल गेट द दिंगलेट सिंपल फंडा है हाउ वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो है सिमेट्री वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है तो देख लो वो मैं आपको थ्रू एग्जाम्पल बता दिया मान लो इसमें ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री आपको कैसे देखनी है तो हम लोग देखते हैं आयरन के लिए सपोज मैंने यहाँ पे एफी लिया है टू प्लस मैंने कंसिडर किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगा पहले तो एफी का होता है थ्री डी सिक्स फोर एस टू टू गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे ओनली थ्री डी सिक्स चाहिए तो मैं करके बताती हूँ यहाँ पर देखो एफी के इतना होता है ट्वेंटी ये हुआ थ्री डी तो दो इलेक्ट्रॉन है ना गए तो थ्री डी सिक्स मिलेगा तो हम लोग इसको कैसे लेते हैं डी में होते फाइव और बाइटर्स डाल दो इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अब फर्दर इसकी क्या होती है स्प्लिटिंग अब ये सब क्या है डी जनरेट लेवल मतलब सबकी एनर्जी क्या है सेम है बट आफ्टर द स्प्लिटिंग गेटिंग द एनर्जी वो क्या होंगे स्प्लिट होंगे स्प्लिट होते कौन से लेवल में टी टू जी एंड ई जी यहाँ पर होती है थ्री लेवल्स आपके वन टू थ्री यहाँ पर से होते है आपके स्टूडेंट दो लेवल आई होप सो आपको ये पता चीज है अब ये सिक्स इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना अब ये जब सिक्स इलेक्ट्रॉन आप टी टू जो लेवल में स्प्लिट होते हैं ये डिपेंड करता है आपके हाई स्पिन और लो स्पिन पे ठीक है ये एक डिपेंड किसके ऊपर करता है हाई स्पिन और लो स्पिन पे सपोज हम यहाँ पर हम लोग पहले कंसिडर करते हैं कि ये लो स्पिन है अब लो स्पिन का मतलब क्या है यहाँ पे आपकी क्या होंगी पेयरिंग होगी तो लो स्पिन का मतलब यहाँ पे कितने है टोटल सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रही है उसकी स्पेरिंग हुई अब कंसिडर करते हैं हम लोग हाई स्पिन के लिए वन टू थ्री वन टू ठीक है वन टू अब यहाँ पे क्या होगा स्प्लिटिंग जो होती है पहले पेयरिंग नहीं होती तो हाई स्पिन में क्या होगा पहले वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो आपको कुछ इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग मिलेगी ठीक है तो स्पेरिकल और एक्सेल आपको कैसे समझना मान लो जब दोनों जो है आपके इजी और जी का जो एनवायरमेंट है वो सिमिलर होना चाहिए अब देखो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं कोई भी नहीं बट अगर नीचे देखोगे सारे इलेक्ट्रॉन क्या है इन देयर फॉर्म है और सारे आपके ऑर्बिटल्स फील है तो ये क्या है ये इसके लिए सेम नेचर है इसके लिए सेम नेचर है तो ये ऐसी जब कंडीशन अरेज होती है तो उसे हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट क्या बोलेंगे स्पेरिकल एनवायरमेंट ठीक है अंडर द इलेक्ट्रॉनिक और अब यहाँ पर देखो टी टू जी में यहाँ पर तीन ऑर्बिटल में एक पेयर फॉर्म है तो दो सिंगल फॉर्म में ऊपर आप देखोगे तो ये सेम एनवायरमेंट है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बट तो यहां पर वैसे कंडीशन नहीं है तो आप अगर दोनों को कंपेरिजन करोगे तो दे आर वॉट डिस्टोर्टेड तो उसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एक्सीएल इन नेचर तो इलेक्ट्रॉनिक में आपको देखना है कि वो कब आपका एक्सीएल होगा और कब स्पेरिकल होगा जब वो सेम एनवायरमेंट की बात कर रहा है तो वो स्पेरिकल होगा जब वहां पर डिफरेंट नेचर है डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली नेचर होगा लिगेंड में तो आपको पता है टेटा हेडल ऑक्टा हेडल है तो वो स्पेरिकल है और मान लो इलेक्ट्रॉनिक में भी आपको स्पेरिकल मिल रहा है लिगेंड में आपको स्पेरिकल मिल रहा है, मिल रहा है तो डेफिनेटली वहां पे इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट जीरो होगा कॉर्डरबल स्प्लिटिंग वहाँ पे जीरो होगी यू विल गेट द सिंगलेट आई होप सो ना यू शुड अंडरस्टैंड द कम्प्लीट कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे कब आपका स्प्लिटिंग प्रेजेंट होगा और कब कॉडरपल्स स्प्लिटिंग एबसेंट होगा या आप इस सिमेट्री थ्रू इस चार्ट थ्रू पता कर सकते हो

कोई दूसरा मैं एग्जाम्पल बताती हूँ लाइक सपोज फाइव इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास ये है ई जी ये है टी टू जी ठीक है अब फाइव इलेक्ट्रॉन्स मान लो uh, यहाँ पर मैंने ऐसे भर दिए वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है one, two, three, four, अब देखो यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर भी सेम तो इसको आप क्या बोलोगे फिर स्पेरिकल बोलोगे ना अब मान लो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे वन टू थ्री है ठीक है अब सपोज uh, uh, करो मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स One, two, three, four, five, तो सब भरे तो इस कंडीशन को भी हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे बोलेंगे बट सपोज अगर मान लीजिए पर 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 है है वहां तो तो पे अभी देखो एक सिंगल है बट यहाँ दो पेयर में यहाँ पर तो इस नेचर को यहाँ पर बोलेंगे हम लोग एक्सीयल तो वैसे आपको टी टू जो ईजी के एनवायरमेंट से डिसाइड करना कि वो कहाँ पर स्पेरिकल है एंड कहाँ पर वो एक्सीय है ठीक है अब मैं आपको एक एग्जाम्पल स्टूडेंट यहाँ पर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में सपोज फॉर एग्जाम्पल कीजिए यहां पर आपको एग्जाम में दिया गया एफी वॉटर सिक्स सी एल थ्री कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है ठीक है और आपको क्वेश्चन आया है कि इसमें आपको बताना है कि इसमें स्प्लिटिंग जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है क्या पूछा है आपको कि इन द गिवन कॉम्प्लेक्स शो मी द स्प्लिटिंग जो है प्रेजेंट है या एबेंट अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है या फिर आपको पूछा गया दैट हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर ठीक है हाँ ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे उसको अटम करेंगे जस्ट एक लो सबसे पहले तो आपको क्या करना है उसका लिगैंड सिमेट्री चेक करनी है और इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री चेक करनी है ठीक है अब दोनों सिमेट्री चेक करते वक्त आपको चेक करना है कि लिगैंड की सिमेट्री अब यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले क्या बोला था अगर एमएल ओक्टाहीड्रल है उसमें ठीक है देख लो चाहिए तो फिर से चार चार्ट लिगैंड है तो वो स्पेरिकल है। तो लिगेंट देख लो एम एल सिक्स है ना तो ये आपकी कौन सी हुई स्पेरिकल है लिगैंड इलेक्ट्रॉनिक केस में अब इलेक्ट्रॉनिक केस, केस में देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है एफई का कैलकुलेशन करो एफ सी एल थ्री है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पे एफी थ्री प्लस एफ थ्री प्लस मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मिलेगा थ्री डी फाइव अब वॉटर यहाँ पे क्या है वीक लिगेंड है मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन आपका जो होगा टी टू जी और इजी का ठीक है वो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा हाई स्पिन नहीं लो स्पिन होगा ठीक है तो अब इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है तो देख लो सॉरी स्टूडेंट हाई स्पिन होगा वीकली है ना तो हाई स्पिन में जाएगा हाई स्पिन मतलब सारे सिंगल पहले पेयर करेंगे अब देखो थ्री डी फाइव ना वन टू थ्री फोर फाइव मैंने भर दी है ये है आपका टी टू जी इजी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा टी टू जी थ्री इजी टू ठीक है सो तो अब देखो दोनों का एनवायरमेंट ये भी सेम है ये भी सेम है तो मैंने बोला था अगर ऐसे नेचर मिलता है तो स्पेरिकल है तो इलेक्ट्रॉनिक का सिमेट्री वो भी आपको यहाँ पे क्या मिली थी स्पेरिकल तो मैंने क्या बताया था ट्रिक दिया था कि अगर लिगैंड सिमेट्री इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री आर गोइंग टू बी सिमेट्रिकल तो वहां पे इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट क्या होगा आपका जीरो इलेक्ट्रॉन फील्ड ग्रेडियंट वहां पे जीरो है मतलब कॉर्डरपल स्प्लिटिंग भी वहां पे क्या है आपकी एबसेंट है तो दिस इज हाउ यू आर देखो चाहे तो ट्रिक इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जीरो तो मतलब इसमें जो आपको मिलेगा आंसर क्या होगा सिग्नल सिंगलेट मिलेगा लाइक like दिस तो ये हुआ उसका आंसर सो यू विल गेट द सिंगलेट ओके सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है आई होप सो नाउ यू शुड कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इसमें आपको ये सारी चीजें कैसे निकालनी है और उसको कैसे सॉल्व करना है सो अगेन आई एल गिविंग द होमवर्क वो हमेशा देती है आपको समझा समझ में आया रहा है कि नहीं तो दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे के थ्री एफ सी एन सिक्स अब देख लो साइनाइड जो है यहाँ पे स्ट्रांग लिगैंड है तो प्रॉपरली चेक करो यहाँ पे लो स्पिन होगा कि हाई स्पिन होगा पहले क्या चेक करो लिगैंड अब यहाँ पे देखो एफिसियन एफिस है तो स्पेरिकल है कि एबसेंट तो डेफिनेटली एमएल सिक्स है ना तो लिगैंड की जो सिमेट्री होगी यहाँ पर स्टूडेंट वो तो स्पेरिकल होगी सॉरी मुझे बताना नहीं था मैंने फिर भी बता दिया ठीक है आगे का सॉल्व करो इलेक्ट्रॉनिक टी टू जी जी लेवल देखो साइनाइड के लिए कैलकुलेट एंड टेल मी वेदर इट्स अ अर्डर फॉर स्प्लीटिंग इसमें प्रेजेंट है या एबसेंट है एंड वॉट टाइप ऑफ द सिग्नल यू विल गेट मी योर आंसर ठीक है अब स्प्लिटिंग में तो आपका एक पार्ट हो चुका द वॉट इज द योर कॉर्डर स्प्लिटिंग नाउ वी आर गोइंग टू बी टर्न इन टू द योर नेक्स्ट सेकंड मैग्नेटिक स्प्लिटिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है अब मैग्नेटिक स्प्लिटिंग जहां पे वर्ड आया मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा इन द एबसेंस ऑफ मैग्नेट ओके मैग्नेटिक फील्ड हाउ वी आर गोइंग टू बी क्रिएट द ट्रांजिशन ठीक है वो चीजें हम लोगों ने देखी अब मान लीजिए मैग्नेटिक स्प्लिटिंग का मतलब है ना वी आर गोइंग टू बी प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ट्रांजिशन कैसे हो रहा है सेम एग्जाम्पल मैंने लिया आयरन ये वैल्यू आपको पता है अब ई एफ जी वन जीरो इलेक्ट्रॉन फील्ड रेडियंट जब जीरो होता है तो उसमें सिंगलेट ही आपको मिलेगा ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको कॉर्डर स्प्लिटिंग में दिखाया हुआ है कि ये मेरा ट्रांजिशन है दीज आर द माई वैल्यूज एंड हाउ वी विल गेट द ट्रांजिशन तो मैंने यहाँ पर दिखाया है अगर ई एफ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो सेम फंडा यहाँ पर वही होगा इफ ई एफ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सेकंड भी वहां पे क्या होगी आपकी ट्रांजिशन होगी एंड यू विल गेट द डबल तो यहां तक जो है फंडा वो है पूरा कॉडो स्प्लिटिंग बट अब हम लोग बात किसकी करें मैग्नेटिक स्प्लिटिंग मैग्नेटिक स्प्लिटिंग मतलब यहाँ पे अभी क्या होगा मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो जब वो एबसेंट होता है तो इज इक्वल टू जीरो होता है बट अब यहाँ पे क्या मैंने किया मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो बी नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा करेक्ट अब ये रूल हमें यहाँ पे अलाउ करना अब जैसे ही मैंने किया मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर जो मेरे जो फील्ड है तो ये दो लेवल यहाँ पे ऐसे होगा और यहाँ पे आपको लेवल कुछ इस तरीके से मिलेगी वॉट माइनस हाफ प्लस हाफ वैसे ही ये वाली जो लेवल है वो भी यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट आपकी स्प्लिट होगी ये होगा माइनस हाफ प्लस हाफ ओके माइनस थ्री बाय टू प्लस थ्री बाई टू तो ये लेवल जो होगी वो क्या होगी स्प्लिट होगी एज सुन अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड उसके बाद अभी आपको क्या करना है यहाँ पे ट्रांजिशन देखना तो देख लो पहली टेंशन देखो ये है माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ मैंने कर दिया तो यू विल गेट वॉट प्लस वन देखो माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस क्या माइनस माइनस प्लस प्लस वन तो ये आपको मिला तो ये इसमें आता है तो ये वाला ट्रांजिशन आला होगा अब सेकेंड देखो माइनस हाफ टू प्लस हाफ यू विल गेट वॉट जीरो तो जीरो मतलब पॉसिबल ट्रांजिशन है तो ये आपको सेकेंड मिला अब थर्ड ट्रांजिशन देखो माइनस हाफ से माइनस थ्री बाई टू सो यू विल गेट द वैल्यू वॉट वन मिलेगा तो उसके लिए भी आपको ये वैल्यू अलाउड ट्रांजेक्शन बट आप अगर यहाँ पर देखोगे माइनस हाफ से लेकर प्लस यू विल नॉट गेट दिस सिलेक्शन रूल तो यहाँ पे आपको जीरो प्लस माइनस वन वैल्यू नहीं मिलती तो ये अलाउड ट्रांजेक्शन नहीं है सो दिस इज हाउ यू विल गेट यहाँ पे थ्री वैल्यू मिला अब हम लोग करते हैं प्लस हाफ से तो प्लस हाफ से आप अगर प्लस हाफ जाते हो तो आपको मिलेगा वैल्यू टू बाय टू वन तो ये अलाउड ट्रांज है. फिर मिलेगा आपको प्लस हाफ से आप गए माइनस थ्री बाय टू तो प्लस हाँ तो वैल्यू देखो इनका जो नेगेटिव जो आंसर आएगा वो एक तो जीरो तो तो क्या होगी अलाउ होगी सो इन द वे आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो टोटल तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिलेगी वो यहाँ पे कितनी मिलेगी आपको टोटल सिक्स लाइन्स मिलेगी तो मैग्नेटिक फिलीटिंग में जो आपको वैल्यू मिलेगी इन द एबसेंस ऑफ मतलब ई एफ जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंगलेट मिलेगा

स्प्लिटिंग, सो इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो डू फॉर द योर टीन के लिए भी आप वही कर सकते हो टीन के लिए एक्साइटेड वैल्यू एंड इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में प्रोवाइड की जाएंगी देन उसका आप स्प्लिटिंग कर सकते हैं, आफ्टर द स्प्लिटिंग व्हाट टाइप ऑफ द वैल्यू यू विल गेट वो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो ठीक है तो सेम अगेन द होमवर्क सपोज अगर टीम इसके अलावा एग्जाम में आपको अगर कोई निकल की वैल्यू आती है जिसकी आई जी की वैल्यू है स्टूडेंट थ्री बाय टू एक्साइटेड स्टेट की उसकी वैल्यू है यहाँ पर फाइव बाई टू ठीक है तो मुझे कमेंट करो यहां पर कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो है और अगर वहां पे मैग्नेटिक स्प्लिटिंग है सो हाउ मेनी लाइंस यू विल गेट इन द ऑल द केसेस तो इसका मुझे आंसर करो तो सबसे पहले तो क्या करो स्टूडन ई जब जीरो होता है पहले आईजी का निकालो आंसर थ्री बाई टू फाइव बाई टू द टू एन आई प्लस वन इससे आपको पता चलेगी कि उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस है किसमें ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में ठीक है वो निकालो वो पता करने के बाद आप देखो कि उसमें कितनी लाइन्स आ रही सिंगलेट और डबलेट तो आपको पता चलेगा फिर ई एफ जी वेन नॉट इक्वल टू जीरो आपको ट्रांजिशन चेक करना है बाय यूजिंग द सेम रूल कि उसमें जीरो प्लस माइनस वन ट्रांजेक्शन अगर डिफरेंस मिलता है तो ही वो अलाउ ट्रांजिशन है देन चेक आउट कि उसमें कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एंड वेन यूर बी नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा मैग्नेटिक मूवमेंट तब आपको क्या करना है जो भी आपके नंबर ऑफ लाइन्स होगी हर एक लाइन वहां पे क्या होगी अलग अलग लाइन स्प्लिट होगी और उनमें फिर आपको चेक करना है कि किसमें आपके अलाउ ट्रांजिशन है तो इसका आंसर बताती हूँ बट ये आप पूरा डायग्राम सॉल्व करना खुद से प्रैक्टिस करो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी होगा इस केस में आपके यहाँ पे सिंगलेट होगा वेन ई एफ जी इज नॉट इक्वल टू जीरो यू विल गेट द फाइव लाइन्स और इसके केस में आपको यहाँ पे ट्वेल्व लाइन्स मिलते हैं अब वो ट्वेल्व लाइन्स यहाँ पे ट्रांजेक्शन आप हर एक ट्रांजेक्शन करके देखो प्रॉपरली तो आपको आंसर फाइनल में पता चलेगा ठीक है सो दिस इज हाउ द लास्ट पार्ट ऑफ योर मोजर मोजे स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट हाउ यू आर गोइंग टू बी स्प्लिट द योर स्पेक्ट्रा इन टू द वेरियस लाइन अकॉर्डिंग टू या मेटर कॉम्प्लेक्सेस सो आई होप सो नाओ दर पार्ट फ्रॉम द मोजोबेस्ट पेक्ट्रोस्कोपी जितना भी जरूरी था आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग यू एंड द कन्प सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट पर्टिक्यूलर पार्ट बट स्टिल इन द फर्स्ट सेशन एंड इन दिस टूड सेफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मोजोबेस्ट पेक्टोस्कोपी सो यू शुड आस्किन डेफिनेटली आई रिजोल्व ऑल प्रॉब्लम एंड वन संग थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो डोंट फर गेट टू सब्सक्राइबर्स एंड वन मोर थिंग The comment to me that whether you are understanding or not the quadruple splitting and the magnetic splitting. Okay. So, thank you so much student.